अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूं फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी पापा का प्रेम पत्र, मेक जोक ऑफ एमजीओ सौरभ शुक्ला की वीडियो है। जीरो जीरो वीडियो का लिंक भी सभी मौजूद है, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम राणा मुंदल, मेरे साथ हैं वरिष्ठ अग्रणी इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ये तुम्हारा नहीं है, नहीं है हमारा, नहीं है, नहीं है तुम्हारा, पक्का नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तुम मुस्कुरा कह रहे, अरे पगला गई का मुस्कुरा रहे, गुस्सा रहे, देखो मुस्कुरा रहे, देखो 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 अंदर मुस्कान छुपी है, धीरे से आई, धीरे से आई, ए ए ए निकली। अरे यार अब ऐसे कहोगे तो कोई भी मुस्कुराए लगेगा। ऐसा है कसम खाओ कि ये प्रेम पत्र तुम्हारा नहीं है। अरे कौन सा पत्र है भाई, हम आहुक तो पढ़ाओ दैया, हमका कौनो कुछ बताते नहीं। रुको अम्मा, पहले कसम खाएंगे। हमने आज तक कभी कसम खाई है जो आज खाएंगे? अगर सच बोल रहे हो और ठेला भर शर्म है तो कसम खाओ अभी, अपने लड़का कसम खाओ कि नहीं है तुम्हारा प्रेम पत्र। अरे ला यार इधर साले को, पता नहीं कौन सा फटा पुराना सड़ा हुआ कागज बना दिया गया मेरा प्रेम पत्र, खाए कसम। और सुनो अगर झूठी कसम खाई तो बच्चा भी मर जाएगा, तड़प तड़प के बता दिया। अरे काहे यार, नहीं नहीं खाओ कसम, हमको कहाँ मरवाने तुली हुई, अम्मा खिलाओ, अम्मा बूढ़ी है। अरे हमका पहले पढ़ा तो देव का भेजी है चुड़ैलिन, का लिखा वही माँ पढ़ो बहुरिया, कहाँ है वही माँ लिखा। हमने एक बार अम्मा पढ़ लिया, हम दोबारा नहीं पढ़ पाएंगे इनकी घिनौनी दास्तान। छी कर दो साले को, इतनी भी घिनौनी दास्तान नहीं लिखी कि एकदम नहीं पढ़ पाओगे, हगी जा रही हूँ। लाओ हम पढ़े। मेरे प्यारे ढोकले, ढोकला को आए, यही है इनका ढोकला, अच्छा लगा तो ढोकला बुलाओ इनका। अरे यार ढोकला थोड़ा पूरे खानदान को अच्छा लगता तो क्या सबका चक्कर चल रहा, सबकी चड्डी उतार के नंगा करके सड़क पे मारने लगोगी क्या? सबकी फाइल में लेटर नहीं मिलता है ना, तुम्हारी फाइल में मिला है तुम्हारा प्रेम पत्र। अरे चड्डी नहीं, अभी बहुत कुछ उतरेगा देखना। चड्डी उतार दी तो क्या बाकी रह गया उतारने को साले को? खाल, अरे खाल उतरेगी, रुको तो। फिर तुम उसके बाद हड्डी भी छील देना। फिर बोल ना। अरे यार हम पढ़े कि ना पढ़े यार, तुम लोग पहले लड़ मान लो, यही हमारा दिमाग गर्म होता है साला, फिर हम नहीं पढ़ेंगे। पढ़ाओ पढ़ाओ बच्चा, हम मुक्त पता लगे का लिखी से चुड़ैलिन। मेरे प्यारे ढोकले, तुम्हारे अधरों का स्वाद चखे हुए दो बरस बीत गए। अधर माने अधर का होता है, अधर माने अधर का स्वाद, मतलब क्या होती अम्मा वाद चुम्मी। तुम्हारे अधरों मतलब चुम्मी का स्वाद चखे हुए दो बरस बीत गए, बहुत याद आती है तेरे मेरे मिलन की वो रैना, जब हम तुम एक कमरे में बंद हो गए थे और चाबी नाली में गिर गई थी, तब तुमने मुझे होठों से छूकर मेरे गीत को अमर कर दिया था, उस रात का नशा अभी आँख से गया नहीं है। उस चुड़ैल ने तुमसे शादी करके तुमको पा जरूर लिया, लेकिन मेरा तुम्हारा रिश्ता इस झूठी शादी के बाद भी चलता रहेगा, हमेशा 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 हमेशा, पांच बार हमेशा। तुमने मेरे लिए कितने बार बर्तन धुले हैं, क्या उसके लिए भी तुम बर्तन धुलते हो, ये जरूर बताना। बर्तन अम्मा, ये बर्तन धुलते थे इसके लिए मैं सोच भी नहीं सकते। अरे बर्तन इनका बाप कबाव नहीं धुलिस, मर के चला गया ई का दुनिया है। और सुना वो का लिखा अब्बा को, और पूरा लेटर जानना साले को, और क्या, और मरी जा रही तड़पी एकदम। हाँ तो जाने ना क्या करता गिरी कर रहे हो, पढ़ो तुम। और सुना है तुम्हारे लड़का हुआ है, उसका क्या नाम रखा है, जल्दी से जवाब देना, तुम्हारी याद में पिलाए जा रही तुम्हारी प्यारी उर्मिला उर्फ छम छम गुड्डी। ने अम्मा कलेजा ठंडे मिली है। लड़का भवा है, यही का मतलब सोनू के पैदा भय टाइम का है, 10 साल पुराना है कम से कम यू। अम्मा तो जब तब से चल रहा है इनका। कौन है ये उर्मिला? तुम्हारी नई मम्मी है बच्चा, तो पापा ला रहे हैं, वही ले लेने हो। नई मम्मी? अरे वाह, तब तो मजा आ जाएगा। ओए हाय बल्ले बल्ले, सवा सवा।
अरे यार, हम बार बार बता रहे हैं, भले ये मेरी फाइल से प्रकट हो गया हो, कोई उर्मिला कुछ नहीं मेरी लाइफ में, मैं किसी उर्मिला नाम की लड़की से कोई मतलब नहीं रखा हूँ। कितना पुराना है पता नहीं, कहाँ से सड़ा गला कागज निकाल ले, वर्षों पुराना, पिल गया आके हमारी लाइफ में, मर गया आके साला। अरे तो दिक्कत क्या है, नई मम्मी आ जाए तो बढ़िया है ना। अब ले आओ नई मम्मी, वैसे भी ये मोटा गई तो हमको चाहिए पतली मम्मी। कहाँ जा रहा है बता। इनका हाथ बहुत तेज बढ़ता है इसीलिए कह रहे पतली वाली ला। अबे सोनू, तुम्हें घर में का एक बाबे बड़ी गधाचर मची है। हमारे पापा नई मम्मी ला रहे हैं। हैं? हाँ तुम बताओ। अच्छा ये बताओ, 545 रुपए चाहिए फ्री के? हाँ। विंडो डाउनलोड कर लो, फ्री साइन अप बोनस मिला, मेरे लिंक से डाउनलोड करना। ये वही धोनी वाला ऐप है ना? क्या है? अरे इसमें जैसे गेम्स खेलो पैसे जीतो, इसमें पेलम पेल गेम जैसे कि लूडो, कैरम, सांप सीढ़ी, चेस और भी 100 से ज्यादा गेम है। ये देखो जीत गए। अब जीत गए तो UPI से डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर ले लो फास्टेस्ट। ये देखो बहुत सही, लिंक दो भाई, लिंक दो। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उसे डाउनलोड करना, 45 रुपए तो तुरंत मिलेंगे और गेम वैलेट में मिलेंगे 5 रुपए अलग। बहुत सही। बताना नहीं सोनू, बताना नहीं। अगर ये प्यार से मांगती तो हम इनको 10 फोन के पासवर्ड दे देते, लेकिन अगर इस तरह मांग रही शक की निगाह में, बताना नहीं तुम, बताना नहीं। हम नहीं बताएंगे अपने प्यारे पापा का फोन का पासवर्ड। सोनू बेटा, हाँ, अगर पासवर्ड नहीं बताओगे ना, हाँ, तो हम तुमको काट डालेंगे बीच से, 100-100 अलग कर देंगे, नुनू अलग कर देंगे, 0-0-0-1-4-3। हाय भैया, रे डियर उर्मिला नाम से सेव है, देख ले। अरे यार ये वो डियर नहीं है, हिरन वाला डियर है जो पेंटिंग मंगाई थी तुमने इतनी सारी, लिखा डियर उर्मिला। डियर की स्पेलिंग क्या होती है सोनू? डियर की स्पेलिंग क्या होती है बता। डियर की स्पेलिंग डी डी बिजनेस है, वो जूता पॉलिश करते हैं। हाँ, रोज सुबह जाते हैं जूता पॉलिश करके ऑफिस। को मिलाते हैं डियर उर्मिला, देखते कौन हिरनी है भाई। हेलो हेलो, आपका मेरे पति के साथ क्या रिश्ता है? हेलो, आप अपनी वाइफ को फोन दीजिए ना, आप क्यों बात कर रहे हैं? आप तो मेरे आपने फोन किया, आपकी वाइफ को मिलाया है, क्यों उठाते हैं उसका फोन? अरे मेरा ही फोन है। अरे उर्मिला से बात करा यार। हम उर्मिला ही बात कर रहे हैं, बताइए। अरे लेकिन आप तो आदमी हैं, हमको महिला से बात करनी है उर्मिला। हाँ मैं ट्रांस हूँ, बताइए। ट्रांस माने? ट्रांस माने क्या मतलब? क्या ट्रांस? ट्रांस माने ट्रांसपोर्ट। किन्नर अम्मा, किन्नर। अरे यार वो किन्नर विन्नर किसी के साथ कुछ नहीं, वो दुकानदार था, उसने पेंटिंग दी थी बस, और कुछ नहीं है। कैसा लग रहा? अरे कैसा क्या लगेगा, जो देख रहे हो सबको कमरे में इस तरह, खुद तो ऊपर बैठे हो, मुस्कुरा रहे हो, हमका कब भूलै हो? रे अम्मा, कलेजम बाम लागा हो यार, तो तुम्हारे आज तो तुम्हारे सीने ठंडक लाग गई हो। अरे हम को न मोर्टिन गोली के दे दे, हम मरी जाए, यू सब कहा सुन नहीं। और हमारे घर में सब एक से एक बीच बीच में पागल पंती का दौरा पड़ने लगता है साले को, बैठे एकदम सब। अरे बताई तुम क्या पागल पंती बताया बल्ली। अरे भगवान इंद्रदेव, अब क्या हुआ? तुम्हारे बॉस की वाइफ का नाम है उर्मिला। हाँ तो अब बॉस को फोन लगेगा पेलम
देखो 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 ये नहीं होगा ये नहीं होगा। बॉस को फोन नहीं करना प्लीज प्लीज। हाथ जोड़ा तुम्हारा पैर पड़ रहा है डार्लिंग महबूबा डार्लिंग। हाथ जोड़ा तुम्हारा पैर पड़ रहा है डार्लिंग महबूबा मेरी जान। महबूबा गई तेले ने। बॉस को फोन होगा ऑन द स्पॉट अभी। अरे यार फोन नहीं है यार। बॉस ने नौकरी निकाल लेगा। बॉस ने नौकरी निकाल लेगा। प्लीज प्लीज समझो समझो समझो। नहीं उसको उसको नहीं उसको नहीं पैर पड़ा पैर छूना 10 बार पैर छूना देखो तुम्हारे। हम समझ गए कि ये वही है वही है वही यार। वो नहीं है यार। वही है वही है वही है वही है वही है वो नहीं है यार। वही है वही है वही है वही अरे यार वो नहीं है यार। हमने वहां झूठ बोल के छुट्टी ली है यार। क्या झूठ बोल के छुट्टी ली? अरे यार हमने 15 दिन किया वो डेडलाइन बढ़ाना था तो हमने उससे कह दिया था कि तुम्हारी अम्मा खत्म हो गई तो हम बनारस आए हैं तुम्हारे मायके पूरा तेरे ही मेरे ही करके लौटेंगे। 15 साल पहले हमारी अम्मा खत्म हो चुकी हो। 15 बार 15 दिन की छुट्टी ले चुके हो तुम। अलग कढ़ाई है कि देखे रही ना अम्मा इनकी 15-20 कढ़ाई तो तय है। क्या बताई बच्चा कपूत का। अरे हाँ हम कपूत है हम निर्लज्ज है हम सबसे खराब इंसान है इस दुनिया के सबसे घटिया और सारी गलतियों का समुद्र है हम। सारी नदियां गलतियों की मिलती है हमारे अंदर हमारी खोपड़ी में गिरती आके। लेकिन हम उर्मिला को नहीं जानते और बॉस को फोन नहीं होगा। बॉस की वाइफ का नाम उर्मिला है इसलिए मैं उनको फोन मिलाऊंगी। अरे यार उसी तो तुम्हारी अम्मा का भी नाम उर्मिला था उर्मिला देवी तो उनको भी फोन मिला लो। स्वर्ग चली गई 15 पहले। उनका नाम उर्मिला नहीं था उर्मिला शांति देवी था। तभी तो शांति पाठ हो रहा है रोज सुबह शाम घर में देखो तो शांति ही शांति है साली हर जगह। रुको जरा रुको अभी। अरे हेलो क्या कर रहे हो? क्या ससुर भी मर गया क्या? हेलो सर हम रंजन की धर्मपत्नी बोल रहे हैं। हाँ तो क्या रंजन भी मर गया क्या? नहीं रंजन नहीं मरा मर जाएगा लेकिन आप ये बताओ आपकी वाइफ का। अम्मा जाओ अम्मा कहाँ चली गई? ऐसी साफ कहो नहीं मिली अम्मा। Where are you अम्मा? अम्मा जाओ अम्मा। आपकी वाइफ का रिश्ते क्या हो रहा है उधर? सर बच्चा रो रहा है। वा, वा, वा। सर लेकिन हमें वा, 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 वा। मम्मी दूध दे दो मम्मी दूध दे दो। हेलो सर नमस्ते आपको पता है आपकी वाइफ का चक्कर रंजन के साथ चल रहा है? तुम मेरा नाश कर डालना। नाश नहीं अभी सत्यानाश होगा रुको तो। ले आ गया है भगवान सुन लिया होगा। गई नौकरी गई मर गए। तैयारे तैयारे उठा लो भगवान हमको उठा लो भगवान। यहीं पे उल्का पिंड गिरा दो यहीं पे खोपड़ी बिजली गिरा दो भगवान प्लीज यहाँ बाहर ले आओ पूरा घर डूब जाना चाहिए। उठाओ फोन उठाओ तुम भगवान उठा लेगा उठा फोन उठा। तुम चुप रहो पहले। हेलो हाँ कुछ कह रहे थे क्या? नहीं तो सर कुछ नहीं कह रहे थे। अच्छा कुछ सुनाई तो पड़ा था? नहीं नहीं सर आपका कान बज रहा होगा। कान नहीं बज रहा था किसी का मुंह बज रहा था। सर आपको पता क्या हो रहा भाई साहब? आइए त्रिवेदी जी आइए। उर्मिला कौन है रंजन भैया? आपको कैसे पता उर्मिला का नाम? अरे पूरा मोहल्ला पूछ रहा उर्मिला कौन है क्या हो गया? हम लोग कह रहे हैं कि उर्मिला इनके घर में कोई आ गई है। कहाँ उर्मिला भाई दिखाओ नहीं तो लहीना ही पता चला कहाँ है। और करो नौटंकी अब पूरे मोहल्ले में करा दी मेरी बेइज्जती। मोहल्ले में नहीं अभी पूरे देश में बेइज्जती कराएंगे। सौरभ शुक्ला कह देंगे वीडियो बना देगा इस टॉपिक पे। इतनी बढ़िया बात है शरण तो आ नहीं रही होगी अपने पति की बेइज्जती करा रही स्वर्णी कहीं की। बेइज्जती उसकी होगी। इसकी इज्जत होती है और हमारी तो इज्जत है नहीं। इज्जत कैसे होगी जब होठों पे छूके की तमर। अरे यार नंगा कर दोगी क्या सबके सामने आपको? चुप हो जाओ। रे 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 हुआ क्या है भाई? अरे पापा नहीं मम्मी ला रहे हैं उनका नाम उर्मिला है लेकिन पुरानी मम्मी को पता नहीं क्या दिक्कत है। अरे यार हम कुछ बोलते हैं तो बस हमको इसे नोच लिया जाता मार दिया जाता भगा दिया जाता कोई इज्जत ही नहीं दी जाती है हमारी घर में एक सदस्य के रूप में। यार ऐसे बच्चे ट्रॉमा में चले जाते हैं बता दीजिए। इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहना सही नहीं होता है। चला जा सीधे 32 तक पहाड़े याद कर लेना नहीं 32 तक तोड़ देंगे। जौन सा पहाड़ा नहीं आया वही साथ तोड़ा जाएगा। यार पूरा ड्रामा हो गया मेरी लाइफ का पूरा बचपन मेरा साला।
ओहो बढ़िया पिलपिलाए जा रही आ चम चम गुड्डी बहुत बढ़िया भाई रंजन भैया बड़ी पुरानी चिट्ठी निकली लेकिन ये अधरों का स्वाद माने क्या होता है अधरों का स्वाद माने क्या होता है अम्मा अधरों का स्वाद चुम्मी चुम्मी का स्वाद अच्छा अच्छा अम्मा ये सब सुन के तुमका हार्ट अटैक नहीं आवा अभी रुका बता रहे हैं हार्ट अटैक नाच की ता कहूं के निर्लज्ज शर्म नहीं आ रही अम्मा दुखी है काफी ये बताओ तुम्हारी बात तो कविता से होती थी अब उर्मिला ये कौन आ गई है कौन पुरानी वाली है क्या कौन है यार त्रिवेदी आज घर को तबाह करके मानोगे क्या यार जहाँ साला फुलझड़ी जल रही वहाँ अनार रख दे जाके अनार की जगह साला बम रख दे बम की जगह परमाणु बम रख दे दगा दोगे क्या है घर पूरा हमारा बहन थी हमारी कविता बहन हो या बहनोई हमको मतलब नहीं पहले उर्मिला की कहानी निपटा ले फिर कविता भी पढ़ेंगे वाह पहले गद्य बाद में पद्य लेकिन भाभी जी चिंता ना करना डिवोर्स हम करा देंगे सस्ते में हो जाएगा जान पहचान का आदमी आधे रेट में करेगा सब काम एकदम बढ़िया से मस्त टपाटा त्रिवेदी आ घर के बाहर जा घर के बाहर निकल त्रिवेदी हट यार अच्छा लेटर लिए जाए अच्छा फोटो तो ले लें दो इसकी निकल आ रही निकल ला मारे हमको मिल गया एक और लेटर तू यदि यार प्लीज ऐसा मतलब मत करो यार अच्छा ठीक 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 अच्छा ठीक ठीक लेटर दो लेटर दो लेटर दो तुरंत हमको तुमको नहीं देंगे हम देंगे अपने प्यारे पापा को तुम बात बात पे ट्रॉमा देती हो अरे तुम का हुक ना दे हम का दे हम पड़ी मेरी प्यारी छमछम गुड्डी उर्मिला अच्छा ये इनका लिखा हुआ होएगा इन्होंने भेजा नहीं अच्छा हमको आज भी याद है वो काली रात जब हमने तुम्हारे हुस्न का मजा सिर्फ आँखों से लिया था वाह हमको बहुत याद आती है तुम्हारी वो बगल के पसीने की खुशबू जिसके सामने सारे इत्र कमजोर पड़ जाते हैं क्या बात है अपने पसीने को शीशी में भर के बेचती क्यों नहीं वो चुड़ैल से शादी करके मेरा जीवन बर्बाद हो गया है उर्मिला काश तुम साथ होती तो ये जीवन बस छम 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 पांच बार छम मैं निकल जाता मेरी पिलपिली अभी मैंने लड़के का नाम नहीं रखा है पर मैं चाहता हूँ कि मेरा लड़का हुआ है तो तुम्हारे यहाँ एक लड़की हो और फिर हम दोनों अपने बच्चों की शादी करा दें और समधि समधन बन जाएं जल्दी ही तुमसे मिलने बनारस आऊंगा मेरी उर्मिला शांति देवी और तुम्हारे होठों को छूकर तुम्हारे गीत को फिर से अमर करके अधरों का स्वाद चखाऊंगा तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा प्यारा अमर नारायण सिंह अमर नारायण अमर नारायण सिंह अमर नारायण सिंह उर्मिला शांति देवी उर्मिला शांति देवी ये बहुत अच्छी वीडियो थी यार यकीन माने बड़ा मजा आया और एंजॉय कर रहे थे हर एक मोमेंट इस बार स्टोरी थोड़ी लॉन्ग थी और ये चीज भी अच्छी लगी कि उन्होंने स्टोरी को प्रॉपर वे में वो लेके चले हैं हर करैक्टर जो है इस बार अपना किरदार अदा कर रहा था कि मतलब बच्चा आया तो वो भी अपना शुगर लगा रहा है बेगम जो है
वो हस्बैंड के साथ लगी हुई है, हस्बैंड जो है वो बेगम को आगे से जवाब दे रहा है, बीच में दादी अम्मा जो है वो अलग अपने जवाब, वो खांसने वाला सीन जो है बीच में साथ ऐसे किया है, तो मतलब वो बहुत अच्छा था। यकीन माने एक पूरा ना घर का माहौल लग रहा था कि जो हस्बैंड है उससे गलती हो गई है, उसका हाथ पकड़ा गया है, और बीवी जो है सेम रिएक्ट कर रही है जैसे बीवियां करती हैं, तो मतलब चढ़ाई करना, शक करना, फिर शक में फिर लड़ लड़ के थक गए हैं, फिर वो लेट गई है पीछे, तो मैंने कहा चलो सुकून हो गया, लेकिन वो सोच रही थी कि उर्मिला है कौन, तो फिर उसने सोचा कहा अच्छा तो वो मतलब वो है बॉस की जनाब वाइफ जनाब उसको फोन, अब तो जाहिर बात है उसने डरना तो था। छोटे छोटे माइनर माइनर सीन थे, लेकिन यकीन माने वो वीडियो की जान थे, और जिस तरह बच्चा बीच में एक्ट कर रहा था वो कसम उठाने वाली बात के, तो उसने कहा कसम उठाओ ये मर जाए अभी मर जाए, तो मैंने क्यों मरना है, मतलब मेरा क्या कसूर है, एक तो मैं हेल्प कर रहा हूँ, वो नंबर वाला वो पापा का नंबर जो है कोड जो है मोबाइल का वो बता दो, तो वो जिस तरह उसने कहा कि नुन्नो अलग कर देंगे, तो उसके बाद जिस तरह उसने बोला ना ऐसे जैसे इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है ना, तो वहां पे कुछ ऐसा मोड़ आ जाता है कि फिर मुजरिम जो है एकदम से बोल पड़ता है, मजबूरी होती है, उसे पता था जो मामा है ना वो खतरनाक है और वो मारती भी है काट भी सकती है, तो इसलिए भाई बता दो और निकलो यहाँ से, तो वो छोटे छोटे जगहों पे आके कभी कहता था यार जिंदगी चंड कर दी है, मेरा तो बचपन खराब कर दिया, जीप ट्रॉमा है ये, तो ठीक है जब भी देखो वो मारते रहते हैं, जैसे वो पास खड़ा था तो जैसे ही उसने साथ दिया तो पीछे से मम्मी थी उसके साथ खड़ी, तो उसने पीछे से पकड़ के दबाया जोर से, तो मतलब वो एकदम से कहता है यार ये तो जंड हो गया जिंदगी निकलो यहाँ से। एक और कैरेक्टर वो बीच में लेके आए, इन सारे कैरेक्टर का मजमुआ जो है बड़ा जबरदस्त लग रहा था, ग्रिप बड़ी जबरदस्त थी, ठीक है सीन उन्होंने इस बार ठीक है 3D एनिमेशन कैरेक्टर जो है वो क्रिएट करते हैं, लेकिन यह कि सीन बड़े अच्छे लिए, जैसे हस्बैंड का सीन था तो वाइफ खड़ी थी और वाइफ ने जो कपड़े पहने थे उसके पीछे से कैमरा एंगल उसके बिल्कुल टांगों के नज़दीक से उसको कैप्चर कर रहा था, तो लग रहा था एक मूवी जो है एक ड्रामा जो है वो चल रहा है प्रॉपर वे में, कैमरा एंगल बहुत अच्छे थे, और इन्होंने कैरेक्टराइज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की उस चीज़ में, डीप डाउन जाने की कोशिश नहीं की कि वो कार्टून वर्जन है तो उसको थोड़ा एनिमेशन के थ्रू इम्प्रूव किया जाए, लेकिन ये भी यकीन मानो अगर प्रॉपर वे में वो करते हैं मेहनत तो बहुत लगेगी, और लेकिन वो वीडियो ये अब जैसी स्क्रिप्ट थी मज़ा आ गया, ऐसा लग रहा था कि मंजे हुए एक्टर हैं और वो हर फील्ड में वो दादी वाला आप खुद ही कर रहे हैं, ये सारी आवाज़ें इन्होंने खुद निकालनी है, तो वो हमसाया भी आ गया था, और वो चीज़ भी बीच में एक करेक्टर जो है वो अच्छा लगा क्योंकि वो दोस्त था पुराना, और पुराने दोस्तों को कमीनापन उन्होंने दिखाया, उन्होंने ये तो पहले उर्मिला का किस्सा नहीं क्लोज हो रहा था उसने एक और का नाम ले दिया पहले है कविता नहीं थी वो नहीं थी, उसने कहा तू मरवाएगा तू मतलब जहाँ पे फुलझड़ी है ना वहां पे तू नार रख दे आके, नार नहीं है तो बड़ा बम रख दे एटम बम रख दे आके, तो इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, यकीन माने मजा आया एंजॉय कर रहे थे। बिल्कुल जी बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छी डायलॉग बाजी थी इसमें, और काफी ज्यादा एक कह लें कि जिस तरह से वो करेक्टर को उन्होंने दर्शाया है, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे सीरियस मुद्दा होता था वहां पे सीरियस मूड में लेके जाते थे करेक्टर को, और जहाँ पे फन वे में होता था वहां पे फन वे में लेके जाते थे, और बच्चा जो दिखाया है इस तरह के जो बच्चे होते हैं वाकई उनको मम्मी चाहिए होती है, मोटी वाली मम्मी से वो तंग पड़ गए थे, वो कहते हैं कि अभी अच्छी बात है पतली वाली मम्मी आ रही है, अभी उस बच्चे ने जाके तो पूरे मोहल्ले में डंडोरा पीट दिया, तो सारे आस पास के लोग जो है वो भी पूछने लगे कि उर्मिला कौन है भैया, और एक पड़ोसी जो है वो आ ही गए और आके पूछा कि उर्मिला कौन है, तो उन्होंने कहा कौन उर्मिला, उसने कहा पूरे मोहल्ले में शोर शराबा मचा हुआ है उर्मिला के बारे में, हमें भी तो बताइए भैया, जाते जाते भाई साहब तस्वीर लेकर ही गए यार, व्हाट्सएप भी कर लीजिए खाते की पिक्चर लेके गए तो चले गए, लेकिन ये है कि मजा आ गया यकीन करें, और वाकई हर करेक्टर को जो है ना इस दफा सारे करेक्टर तगड़े थे और जुगतबाजी कर रहे थे, और आगे से गुस्सा भी कर रहे थे, जैसे दादी गुस्सा कर रही थी, और उसके बाद जो है वो अपना जो उनके शोर हैं वो गुस्सा कर रहे थे, फिर वो पड़ोसी वाला जो है वो एक अलग ही चुगल मेरा लगा रहा था, तलाक करवानी है तो मुझे बताना मेरा एक जानने वाला है आधे रेट में हो जाएगी, तो उसके बाद जो बच्चा है वो अलग से एक्टिंग सही परफेक्ट कर रहे थे, डायलॉग बड़े अच्छे दिए वो थे, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी हुई थी इसमें कोई शक नहीं है,
और इस दफा जो है वीडियो भी काफी लंबी थी, नहीं तो देखा था हमने 9, 10, 11, 12 इतने मिनट की वीडियो होती है इनकी, लेकिन इस दफा वीडियो भी लंबी, स्क्रिप्ट भी बड़ी अच्छी लिखी हुई थी और फनी भी थी। और खत जो है वो जैसे जैसे अंदाज से पढ़ रहा था बच्चा और बड़े चस्के लेके, और पता नहीं वो किसका मतलब मैंने पूछ रहे थे चुम्मा अंदर अंदर अदर अदर पता नहीं अदर के स्वाद, तो वो पूछ रहे थे कि इसके मैंने क्या है, तो बाद पड़ोसी भी पूछ रहा था तो बड़ा मजा आया यकीन करें, एंजॉय किया पूरी वीडियो को एंजॉय किया। और एंड पे जो है वो मैं समझ गया था कि ये जो कहा ना कि तुम्हारी बेटी हो तो दोनों की शादी करें, मैं क्या ये वो बेटी अरमुला वो है इसकी माँ और ये जो है वो इसके पिता है, तो उन्होंने आपस में शादी भी करवा दी है। अब दादी और जो है उनको मौत पड़ी हुई है, लेकिन जो हस्बैंड है उसका वो होश हो रहा है कि मेरे से जान छूटी, क्योंकि वो तो बेचारा बोल रहा था सच लेकिन उस पर कोई यकीन नहीं कर रहा था, बरी हो गया, तो वो बरी हो गया, वो खुश हो गया, वो उसको सुकून हो गया, अब बिल्कुल मजा आ गया। बिल्कुल जी, और मजा आया, फुली एंजॉय किया यकीन माने, और आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।